किया है प्लीज। ये पूरा सीसीटीवी कैमरे से लगा है पूरा। मैंने मेरे को पहला पता था कोई गायों के लिए उसने घोषणा में शिकायत की वो ऐसी हरकत करेगी। वो देखो पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा है घोड़े पे, पूरा सीसीटीवी कैमरा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त को लोहावट जोधपुर में महान भजन संध्या का आयोजन हुआ और गौ माता के लिए 5,25,00,000 की राशि गौ माता के लिए आई। क्या आप जानते हैं कि ये राशि किसने दी, आखिर कौन है वो? आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ओम जी मुंडेल गौ भक्त हैं और उन्होंने घोषणा की है कि 7 नवंबर 2021 को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे। ओम जी मुंडेल का जीवन का सबसे बड़ा मिशन है कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। इस मिशन में सभी भक्त इनका साथ दे रहे हैं और आप सभी भी साथ दिए और साथ दीजिए और इस पुण्य में भागीदार बनिए। अब बात करें लोहावट के आयोजन के बारे में तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सभी गौ भक्तों ने अपने इच्छा अनुसार राशि गौ माता के लिए भेंट की और सभी भक्तों ने मिलकर सेव किया और बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी कारण गौ माता के लिए इतनी राशि इकट्ठी हुई और आप सभी भक्तों का गौ माता के प्रति प्रेम को देखकर ओम जी मुंडेल और गीताबेन रबारी और राजस्थान के जाने माने सिंगर छोटू सिंह रावणा सभी बहुत ही प्रभावित हुए और वहाँ पर गीताबेन रबारी देश की अंतर्राष्ट्रीय गायक लेकर इन्होंने भी देशभक्ति मातृभूमि के प्रति अपनी मधुर आवाज़ में सॉन्ग चुनाए और छोटू सिंह रावणा राजपूत ने भी राजस्थान के सूरवीरों का गीत गाया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप कमेंट बॉक्स में जय गौ माता री लिखना नहीं भूले। जय गौ माता री साथ, जय गौ माता री साथ।